जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो लेकिन जीने के रास्ते निकल ही आते हैं, ऐसी ही एक कहानी है पूजा की। जब पापा ड्रिंक करके आते हैं तो मम्मी को गाली गुली देते हैं और क्या हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है उस टाइम। फिर हमें तो किताबें पहले ही बंद कर देनी पड़ती है जब पापा आते हैं। कुछ मतलब बोलते हैं कि आप ड्रिंक करके आए, तब बोलते मैं ड्रिंक करके आया तो तुम्हारा कुछ कर रहा, मैं अपने पैसे से ड्रिंक कर रहा, तुमको खाने के लिए दे रहा, बस तुम्हें इतने में संतुष्ट रहो, ऐसे ही बोलते हैं। नींद भी नहीं आती, टेंशन में रोना ही रोना पड़ता है। जब पापा चले जाते हैं, पापा मतलब ज़्यादा नहीं रहते हमारे साथ, इसलिए जब पापा चले जाते हैं तब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। और फिर खुद को भी दिमाग पे असर पड़ता है ना उसका, जब पापा उल्टा सुलटा बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अगर मेरे बाप ड्रिंक करके आ जाए तो भी ड्रिंक करके मतलब हालत तो उनकी ख़राब रहती है जो ड्रिंक करते हैं, और फिर उनको बीमारियाँ भी हो जाती है, तो हमारी पूरी पढ़ाई तो हो भी नहीं पाएगी इससे। मम्मी भी मेरी टेंथ तक तो पढ़ी लिखी है, लेकिन मम्मी को भी इतना वो पता नहीं है कि आगे क्या करना है बच्चों को। मम्मी तो इतना जानती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बस ये नहीं पता कि अब इंटर के बाद क्या करवाना है। जब मैं संस्था से जुड़ी उद्यन केयर से, तो अब मुझे उम्मीद हो गई कि लाइफ में मेरी पढ़ाई पूरी हो पाएगी, क्योंकि टीचर और मेंटर्स मैम हमारी दोनों बहुत अच्छे हैं, हर तरह की नॉलेज देते हैं। केवल इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नहीं, हम इन हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एम है इस प्रोग्राम का, वो ये है कि इन लड़कियों को एक डिग्निफाइड जिंदगी, इनको ऐसे मुकाम तक पहुँचाना जहाँ पर ये अपना आप इतना कैपेबल हो जाए कि कल को ये दो और लड़कियों को इस तरीके से समाज से ऊपर उठा सकें और सपोर्ट कर सकें। कुछ बनना चाहती हूँ अब, ताकि मैं अपनी मम्मी को खुश कर सकूँ। मेरी मम्मी बहुत टेंशन में रहते हैं पापा के ड्रिंक करने से। पूजा जैसी कितनी ही लड़कियां उत्तराखंड में होंगी जिनको की संस्था सहयोग कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस तरह और लड़कियों के लिए भी बाल सेवा आयोग अपनी तरफ से पहल करे। देहरादून उत्तराखंड से इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर्स के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल।